Hello everyone, this is Saurabh from Vidyamandir Classes. In today's video, we are going to discuss questions from Rotational Mechanics Rotation of JEE Advanced 2014 to 2018. आज के हम इस वीडियो में JEE Advanced में 2014 से लेके 2018 तक के लास्ट के 5 ईयर्स के क्वेश्चन जो रोटेशनल मैकेनिक्स में पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे. जैसे आप लोग जानते हैं कि रोटेशन बड़ा इंटरेस्टिंग और फेमस टॉपिक रहता है JEE की प्रिपरेशन में, तो उसके क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि बहुत ज़्यादा टिपिकल कोई क्वेश्चन आता नहीं है. जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं सिर्फ उसी के ऊपर बेस्ड जो है प्रॉब्लम्स आते हैं. तो रोटेशन में बेसिक प्रिंसिपल्स जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है, टॉर्क की कैलकुलेशन है, एंगुलर मोमेंटम की कैलकुलेशन है. तो ये जो बेसिक कैलकुलेशंस होती हैं, रोलिंग की कंडीशन है, तो इसके ऊपर ही क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं. तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इसमें डरने घबराने की जरूरत नहीं होती है और अगर हम फंडामेंटल्स पे बने रहें तो हम इन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले 2014 से हम स्टार्ट कर रहे हैं. जो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं ये आपकी स्क्रीन पर आ गया है. 2014 का ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन कह रहा है कि इन द फिगर ए लैडर ऑफ मास एम इज शोन लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल फ्लोर. द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द लैडर इज म्यू वन एंड बिटवीन द फ्लोर एंड द लैडर इज म्यू टू. द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द वॉल ऑन द लैडर इज एन वन एंड दैट ऑफ द फ्लोर इज एन टू. इफ द लैडर इज अबाउट टू स्लिप देन. हमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है. तो हमें अब ये बताना है कि इसमें से कौन कौन से ऑप्शंस सही हैं या कौन से ऑप्शंस गलत हैं. अगर आप ऑप्शंस पे ध्यान देंगे तो इसमें से जो ऑप्शंस हैं कुछ ये भी कहना चाह रहे हैं कई बार कि म्यू को जीरो करके कि सरफेस अगर स्मूथ होगा तो कंडीशन किस तरीके से काम करेगी. तो आइए देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे. इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है. तो इक्विलिब्रियम में क्या करना होता है, नेट फोर्स जीरो करनी होती है और नेट टॉर्क जीरो करनी होती है. तो ये लैडर हो गई हमारी. अब जो है हमें दिया हुआ है कि जो नॉर्मल रिएक्शंस दिए हुए हैं हम उन नॉर्मल रिएक्शंस को पहले ड्रॉ कर लेंगे. अब उसके बाद अगर आप देखिए तो कैसा है कि ये जो लैडर अगर ऐसे है तो इसकी जो स्लिपिंग टेंडेंसी होगी, जो स्लिपिंग टेंडेंसी होगी वो ऐसे होगी, मतलब ये वाला एंड जो होगा ये आगे की तरफ चलेगा और ये वाला एंड जो होगा ये नीचे की तरफ चलेगा. यानी जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेंगे वो कैसे लगेंगे, इनके इसके जो रिलेटिव मोशन होने वाली है उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में. यानी ये एंड अगर आगे चलने वाला है तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस पर वो ऐसे लगेगा और ये स्लिप नीचे करने वाला है, स्लिप नीचे करने वाला है तो इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा. और इस पर क्या फोर्स लगेंगे, एक तो यहाँ से जो है हमें नॉर्मल रिएक्शन जो है वो लगेगी जो हमें दिया गया है क्वेश्चन के अंदर. एक नॉर्मल रिएक्शन जो है वो यहाँ पर लगेगी. इसका अपना वेट जो है mg वो इसके सेंटर से लाई करेगा और ये जो एंगल थीटा है हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है. तो हमें जो क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज गिवन है हम उसको अगर देखते हैं कि कहाँ पे μ1 लेना है, कहाँ पे μ2 लेना है. सॉरी तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो गई हमारी n1, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गई हमारी n2 और यहाँ पे हमारा फ्रिक्शनल फोर्स जो हो गया वो हो गया μ2 n2 और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स हो गया वो हो गया μ1 n1. अब आप अगर फोर्स का इक्विलिब्रियम अगर हम लोग देखें कि फोर्स का इक्विलिब्रियम किस तरीके से बन रहा है, तो देखिए कि जो जो लेफ्ट की तरफ फोर्स जाता हुआ है वो n1 है और जो राइट की तरफ फोर्स जाता हुआ है वो μ2 n2 है. अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम इसको एक्स डायरेक्शन कहने के हैं, हम कहें कि अगर सिग्मा fx इज इक्वल टू जीरो करना है हमें, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम लिखेंगे कि n1 इज इक्वल टू μ2 n2. यानी अगर हमसे कहा जाए कि क्या μ2 जीरो हो सकता है, अगर μ2 जीरो होने की बात करते हैं मतलब हम कहते हैं कि फ्लोर जो है हमारी स्मूथ हो जाए, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी. क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि जैसे ये फ्लोर स्मूथ हो जाएगा तो ये वाला फोर्स जो होगा अनबैलेंस्ड हो जाएगा और ये लैडर जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगी. ठीक है, तो इसलिए ये μ2 का जीरो होना पॉसिबल नहीं है. अब अगर हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस की बात करें तो सिग्मा fy को अगर हम जीरो करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए अपवर्ड फोर्स लग रहा है एक n2, एक लग रहा है μ1 n1 और डाउनवर्ड जो लग रहा है वो लग रहा है mg. तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि n2 प्लस μ1 n1 इज इक्वल टू mg. तो इसमें अगर मान लीजिए कि यहां पे सरफेस स्मूथ हो जाता है, μ1 जीरो हो जाता है, तो भी इक्विलिब्रियम बना
रह सकता है, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम बना रह सकता है, तो यानी ये चांस बनता है। अब हमें जो ऑप्शंस दिए गए उसमें अगर आप देखिए तो ऑप्शंस जो है, जैसे अगर आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि म्यू वन इज इक्वल टू जीरो, है ना, तो म्यू वन, जैसे मैंने आपसे कहा कि म्यू वन जो है वो जीरो हो सकता है, बट अगर म्यू वन जीरो होगा तो एन टू का रिलेशन हमें बताना है, और फिर अगर म्यू टू जीरो होगा तो हमें रिलेशन बताना है। तो हम क्या करेंगे, हम टॉर्क लेके रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। ये हमने अभी जो था फोर्स इक्विलिब्रियम किया था, अब हम टॉर्क इक्विलिब्रियम यानी रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, यानी अब हम टॉर्क को जीरो करते हैं। तो देखिए हम लोग दो पॉइंट ले ले रहे हैं, एक पॉइंट है ये ए और एक ये पॉइंट है बी। तो सबसे पहले टॉर्क अबाउट ए को हम जीरो कर रहे हैं कि नेट टॉर्क अबाउट ए शुड बी इक्वल टू जीरो। जब हम ए के अबाउट टॉर्क ले रहे हैं तो देखिए एन टू और म्यू टू, एन टू इनके टॉर्क ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएंगे क्योंकि ये जो फोर्सेज हैं ये पॉइंट नंबर ए से पास हो रहे हैं। तो टॉर्क कौन कौन दे देगा, एम जी टॉर्क दे देगा, दूसरा एन वन टॉर्क दे देगा और म्यू वन एन वन टॉर्क दे देगा, ठीक है। तो अब हम लोग कंडीशन लेके चल रहे हैं कि हम म्यू वन को जीरो ले सकते हैं, जैसा हमने कहा कि हम अगर म्यू वन को जीरो ले सकते हैं या नहीं, तो म्यू वन को जीरो ले लेते हैं तो उस केस में फ्रिक्शनल फोर्स हमारा हट जाएगा और म्यू टू को हम जीरो नहीं ले सकते, बात मैंने आपको समझा दी। अब हम यहाँ के टॉर्क ले रहे हैं तो एम जी का टॉर्क लेंगे और एन वन का टॉर्क लेंगे, तो एम जी का टॉर्क कितना हो जाएगा आप देखिए, तो एम जी की लाइन ऑफ एक्शन जो है वो ये हो गई और इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया वो कितना आ गया, एल बाई टू कॉस थीटा। तो एम जी इंटू एल बाई टू कॉस थीटा, और ये जो टॉर्क का सेंस है, इसका जो सेंस है कैसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, इसको क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, और ओके अबाउट अगर आप देखिए एन वन कैसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। तो एम जी इंटू एल बाई टू कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू एन वन इंटू, अब एन वन की लाइन ऑफ एक्शन देखिए, एन वन की लाइन ऑफ एक्शन जो है वो ये है, यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा ये वो हो जाएगा एल साइन थीटा, तो इंटू एल साइन थीटा। तो ये आपने देखा कि एम जी इंटू एल बाई टू कॉस थीटा इज इक्वल टू जो है एल साइन थीटा, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि एन वन इज इक्वल टू, एल सी एल कैंसिल आप लिख सकते हैं, एम जी अपॉन टू इंटू या तो कॉट थीटा लिख दीजिए या अपॉन टू टेन थीटा लिख दीजिए, तो एन वन इज इक्वल टू एम जी अपॉन टू टेन थीटा। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन आ जा रहा है वो आ जा रहा है ये। अब हम दूसरा जो है, दूसरी तरीके से अगर टॉर्क को इक्वेट करते हैं तो अब हम क्या कर रहे हैं, अगली बार बी के अबाउट टॉर्क ले रहे हैं एंड वी आर टेकिंग टॉर्क अबाउट बी टू बी जीरो। टॉर्क बी के अबाउट अगर हम टॉर्क लेते हैं तो देखिए, अगर आप बी के अबाउट टॉर्क लेते हैं तो ये जो है आपके इन फोर्सेस का कोई भी टॉर्क एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्शन से खुद पॉइंट से खुद ही पास हो रहे हैं। तो आप टॉर्क किस किस का बचा, एम जी का बचा, एन टू का बचा और म्यू टू एन टू का बचा, तो इनके टॉर्क हम लिख लेते हैं। टॉर्क अबाउट बी को हम जब जीरो कर रहे हैं तो एन टू इंटू एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू टू इंटू एन टू इंटू एल साइन थीटा प्लस एम जी इंटू एल बाई टू कॉट थीटा। तो ये हमने टॉर्क अबाउट बी कर दिया जीरो, और इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो यहां से हमें मिल जा रहा है एन टू इज इक्वल टू एम जी अपॉन वन प्लस म्यू वन म्यू टू। तो ये ऑप्शंस जो हैं हमारे यहां पर आके करेक्ट हो जाते हैं जो हमें गिवन सिचुएशन दी गई है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम हमने दोनों लिख के देखे, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी समझने की वो मैंने आपको बताई कि कहाँ पे फ्रिक्शन जीरो हो सकता है और कहाँ पे फ्रिक्शन जीरो नहीं हो सकता है। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, 2014 की ही अगली प्रॉब्लम है। 2014 में बाई चांस तीन क्वेश्चंस आए जो कि अच्छे नंबर में कह सकता हूँ कि तीन क्वेश्चन इज ए गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच हैज़ बीन आस्क्ड इन 2014। तो आपको काफ़ी अच्छा स्कोर जो है रोटेशन से यहाँ पे आपको कर सकते थे। अब ये जो बाकी दोनों क्वेश्चन हैं काफ़ी कंपैरेटिवली जो हैं वो इजी भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कहता है कि ए हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म ऑफ रेडियस 0.5 मीटर एंड मास 0.45 केजी इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सेस एंड टू मासलेस टॉय गन्स ईच कैरिंग ए स्टील बॉल ऑफ मास 0.05 केजी आर अटैच्ड टू द प्लेटफॉर्म एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.25 मीटर।
from the center on the either sides along its diameter. Each gun simultaneously fires the bullets horizontally and perpendicular to the diameter in opposite directions. After leaving the platform, the balls have horizontal speed of 9 meter per second with respect to the ground. The rotational speed of the platform in radian per second is after the ball leaves the platform. तो देखिए इस तरीके के बड़े सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने किए होंगे. जैसे एक आपका एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कह रहे हैं कि एक हॉरिजॉन्टल डायमीटर है, इसमें टॉय गन लगी हुई है, एक टॉय गन ऐसे फेंकती है और एक टॉय गन ऐसे फेंकती है. तो आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से है कि ये जो है जब ये वाली गन जो है इस बॉल को फेंकेगी या बुलेट जो भी है उसको फेंकेगी, ये वाली गन ऐसे फेंकेगी, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम अगर हम सेंटर के अबाउट देखते हैं, इसके अबाउट देखते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम इसका भी ऐसे है और इसका भी एंगुलर मोमेंटम किस तरीके से किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जा रहा है. तो ये क्लियर क्वेश्चन जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी नेट एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो सिस्टम के ऊपर नहीं लग रही है. तो हम सब लोग जानते हैं कि जब सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगती है तो हम उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है उसको क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं. और इस तरीके के कई प्रॉब्लम्स हम लोगों ने क्लास इलेवेंथ में किए होंगे जब हम लोग रोटेशन पढ़ रहे थे. तो हम लोग सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को यहाँ यूज कर रहे हैं कि लॉ इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल एंगुलर मोमेंटम. अब हम इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिख लेंगे और हम लोग फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिख लेंगे. तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम में क्या होगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम में जो है टेबल का एंगुलर मोमेंटम आएगा और फाइनल एंगुलर मोमेंटम में जो है वो बुलेट्स प्लस टेबल का एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा. तो हम इसकी वैल्यूज जो हमें क्वेश्चन में दी गई हैं उसको हम फीड कर रहे हैं, 0.05 इंटू 9 इंटू 0.25 इंटू 2. तो ये हो गया MVR. ठीक है, दो बुलेट हैं तो दोनों का MVR इज इक्वल टू पास ऑफ द टेबल 0.45. टेबल डिस्क की तरह ट्रीट करी जाएगी इसलिए MR स्क्वायर बाई 2 इसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया गया इनटू ओमेगा. ठीक है, सो सी दिस इज मास, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज डिस्टेंस एंड फॉर द टू बुलेट्स और द टू गन्स इट हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय 2. दिस इज I इनटू ओमेगा. I फॉर अ डिस्क इज MR स्क्वायर बाय 2, M ऑफ द डिस्क इज 0.45, रेडियस ऑफ द डिस्क इज 0.5, दिस इज स्क्वायर बाय 2 इनटू ओमेगा. तो ओमेगा की वैल्यू इसको सॉल्व करके जो आ रही है दैट इज 4 रेडियन पर सेकंड्स. तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, यहां पे जो वैल्यू मिल गई वो कितनी मिल गई, 4 रेडियन पर सेकंड मिल गई. तो ये 2014 का रोटेशन का जो था दूसरा क्वेश्चन था. 2014 में एक और क्वेश्चन जो है वो रोटेशन से पूछा गया है, वो क्वेश्चन देखिए. ये क्वेश्चन भी जो है रिलेटिवली मेरे हिसाब से सिंपल है, क्वेश्चन इजी भी है और स्कोरिंग है सारे क्वेश्चन यहाँ पर रोटेशन के. इस साल में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है. क्वेश्चन कहता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 1.5 kg एंड रेडियस 0.5 मीटर इज इनिशियली एट रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस. थ्री फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड 0.5 न्यूटन आर अप्लाइड साइमल्टेनियसली अलॉन्ग द थ्री साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल XYZ विद इट्स वर्टिसेस ऑन द पेरीमीटर ऑफ द डिस्क. 1 second after the applying the forces, the angular speed of the disc in radian per second is. ठीक है, तो angular speed बतानी है. तो disc हमारी ये है, ऐसे है. ये हमारी disc हो गई, इसके अंदर equilateral triangle बना लेते हैं एक. इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया और कैसे फोर्सेस लगाए गए हैं, फोर्सेस एक एफ ऐसे लगाया गया, एक एफ ऐसे लगाया गया और एक एफ ऐसे लगाया गया. सेंटर मान लेते हैं ट्राइंगल का. अब देखिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि 1 second के बाद आपसे पूछ रहा है कि एंगुलर स्पीड क्या है. अब आप देखिए कि जो ये फोर्सेज हैं ये फोर्सेज टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, दिस फोर्सेज विल प्रोड्यूस टॉर्क एंड बिकॉज ऑफ टॉर्क वी विल हैव एंगुलर एक्सेलरेशन. तो हमें टॉर्क मिलेगा. तो टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस. देन टॉर्क विल प्रोवाइड अस द एंगुलर एक्सेलरेशन सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन इन रोटेशन, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. हमें यहां से अल्फा मिल जाएगा
and 1 second after the start, right? तो हमें 1 second के बाद omega is equal to omega naught plus alpha t से 1 second के बाद हम क्या निकाल सकते हैं कि क्या इसकी angular velocity होगी. तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें टॉर्क को कैलकुलेट करना है. दूसरा स्टेप क्या है कि टॉर्क को हमें आई अल्फा के बराबर रखना है, वहां से अल्फा निकालना है. तीसरा स्टेप क्या है कि हम ओमेगा को ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी के बराबर रखेंगे. तो अब आप देखिए कि जो फोर्स है उसका हम क्या करें, उसका हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे यहां से. लेट अस सी, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट. सो तभी हम, और आप देखिए कि हर तरफ यही सेम सिचुएशन होगी, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो कोई भी फोर्स अगर आप लेंगे तो इस तरीके से ही आप देखेंगे कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी ऐसे ही आएगी, राइट. तो यहां से मैं इस लाइन को जोड़ देता हूं, ये हमारा रेडियस हो गया. अगर आप इस पॉइंट को मैं थोड़ी देर के लिए ए कह देता हूं, इसको मैं ओ कह दूं, तो ये हमारा रेडियस हो गया. ये एंगल जो है ये 30 डिग्री हो गया क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल था, बाइसेक्ट हो गया है. और ये स्मॉल आर हो गया जिसको हमने वहाँ पे लिखा हुआ है. तो स्मॉल आर को जो है आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू साइन 30, यानी स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर साइन 30. तो ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया. अब हम नेट टॉर्क लिख रहे हैं और फिर हम जैसे हमने प्रोसीजर बताया हम उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे. सो टॉर्क विल बी 3 times F into R perpendicular, right? So torque here will be equal to 3 times into F into R sine 30. What just I have told you, R sine 30, how it has come, R sine 30. So which you can even write it as R by 2 because sine 30 is 1 by 2. Now alpha here will be tau by I. So which is tau is what, 3 FR sine 30. And I will be what? I will be mr square by 2 because this is a disk, right? And it is starting from rest. So, omega naught is 0. Rest se start ho rahi hai. Isliye omega naught jo hai wo 0 hai. Aur omega jo ho gaya, wo alpha t ke barabar ho gaya. To, yahan se hum values feed kar dete hain. To, hume omega ki value jo mil jati hai, wo 2 radian per second jo hai, wo hume alpha ki value mil rahi hai. Ye bhi integer type mein aaya tha. ये भी देखिए कितना इजी स्कोरिंग क्वेश्चन है. तो 2014 में 3 questions जो थे रोटेशन से आए, तीनों क्वेश्चन हमने डिस्कस किए. इन तीनों में अगर आप कहेंगे तो मैं कहूँगा कि हाँ, लेडर वाला जो था पहले वाला वो थोड़ा सा टिपिकल था. अब हम लोग आगे चलते हैं और 2015 के क्वेश्चन पे आते हैं. 2015 में ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन देखिए अपने आपकी स्क्रीन पर है. क्वेश्चन कह रहा है कि 2 identical uniform disks roll without slipping on 2 different surfaces AB and CD as shown in the figure, starting at A and C with linear speeds V1 and V2 respectively and always remain in contact with the surfaces. If they reach B and D with the same linear speed and given that V1 is equal to 3 meter per second, then V2 in meter per second will be. ठीक है, तो हमें दिया हुआ है, एक की स्पीड हमको दे दी गई, दूसरे की हमसे पूछ ली गई और दोनों को ये कहा गया कि जब वो एंड पॉइंट पे पहुँचे हैं तो उनकी लीनियर स्पीड जो है वो सेम है. और एक चीज़ और कही गई, वो क्या कही गई कि दे आर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, राइट. तो दोनों सिचुएशन को हम लोग देखते हैं. अगर आप देखिए पहली वाली सिचुएशन जो है इस तरीके से दिखाई गई है और दूसरी सिचुएशन जो है वो कुछ उसका स्लोप जो है बेसिकली बढ़ा दिया गया और इस तरीके से दिखाई गई है. ये सिचुएशंस हैं, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट डी हो गया. यहाँ पर जो वेलोसिटी है V1 वो हमें दे दी गई 3 meter per second. यहाँ पे जो वेलोसिटी है V2 वो हमें फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं. ये जो हाइट डिफरेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का वो है 30 meter और जो यहाँ पे डिस्टेंस है वो है 27 meter क्योंकि स्लोप यहाँ पे बढ़ा दिया गया है. और B और D पॉइंट पर जो है वो वेलोसिटी जो है वो बिल्कुल
सेम है तो बताना है V2 क्या है, कंटिन्यूअसली रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रही है। तो देखिए रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रही है, फ्रिक्शन कोई वर्क नहीं करेगा यहाँ पे, स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन कोई वर्क नहीं करेगा। अब देखिए कि यहाँ से चल के यहाँ पहुँचा और यहाँ से चल के यहाँ पहुँचा, इन दोनों केसेस में हम एनर्जी को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। इन दोनों केसेस में हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। तो देखिए रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रही है तो दोनों तरीके की एनर्जी काउंट करनी पड़ेगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी काउंट करनी पड़ेगी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी काउंट करनी पड़ेगी। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी काउंट करें तो हम यहां पे लिखेंगे हाफ एम वन एम वी वन स्क्वायर इंटू प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और यहां पे देखें और प्लस अगर हम आप इसको जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल ले रहे हैं तो यहां पे प्लस एमजीएच लिखना पड़ेगा, और अगर आप इसको जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल लिख रहे हैं तो यहां पे आके माइनस एमजीएच लिखना पड़ेगा। वो आपकी इच्छा है, मैं जो हूं अपने सिचुएशन में जो ये जो बेसिक लाइन है इसको जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल जो है दोनों केसेस में ले रहा हूं, आई एम टेकिंग, क्योंकि केस एक बार आप पोटेंशियल एनर्जी लेवल चूज करते हैं उसको आप क्वेश्चन में चेंज नहीं करना चाहिए। तो हमने दोनों जगह पे यहां पे जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल को चूज कर लिया है और अब हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी का कंजर्वेशन देख रहे हैं। तो यहां पे mgh प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू यहां पर भी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे दोनों जगह पे लिखते हैं हम लोग, और यहाँ पे भी हमसे कहा गया कि जब ये यहाँ पे पहुँचेगी तो लेट अस से कि इसकी स्पीड v है, और जब ये यहाँ पे पहुँचेगी तब भी इसकी स्पीड जो है वो दोनों की v है। इसी चीज़ का हमें फ़ायदा उठा के जो है एनर्जी कंजर्वेशन को यूज़ करना है। तो अब हम इक्वेशन जो है एनर्जी कंजर्वेशन की लिखने जा रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन हम लोग लिखते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ इसको, देखिए हम एक साथ भी लिख सकते हैं अगर हम लिखना चाहें तो, हाफ जो है जब प्योर रोलिंग हो रही होती है तो आप लोग जानते हैं कि हम v इज इक्वल टू आर ओमेगा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई एम राइटिंग इट हेयर हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ आई आई फॉर इट लेट अस से डिस्क इज आई थिंक इट वाज अ डिस्क ना डिस्क इज एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा, ओमेगा इज वी वन बाई आर का होल स्क्वायर प्लस mgh, राइट इज इक्वल टू यहां पे देखें तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई विच इज अगेन एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा विच इज वी बाई आर की होल स्क्वायर। मैंने जस्ट लिख दिया, इसका कोई बहुत ज्यादा यूज सिचुएशन में है नहीं हमारे यहां, और mgh1 लिखते हैं क्योंकि यहां पे 330 है और यहां पे 27 है, राइट right? दूसरी बार लिखते हैं तो लिखेंगे हाफ एम वी टू स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू वी टू बाई आर की होल स्क्वायर प्लस एम जी एच टू, क्योंकि यहाँ पे हाइट हमारी थोड़ी सी डिफरेंट दी गई है क्वेश्चन में हमें, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू v बाई आर स्क्वायर। मैंने जो ये वाले कैटेगरीज लिखी हैं इसको आप कहीं लिख के भी छोड़ देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि आपको बेसिकली इन दोनों इक्वेशन को अब इक्वेट कर देना है। जैसे आप इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे आपको सारी वैल्यूज गिवन है सिर्फ किसको छोड़ के, v2 को छोड़ के, तो आपको तुरंत जो है वो यहाँ पे v2 की वैल्यू मिल जा रही है, और हमें यहाँ पे जो है v2 की वैल्यू जो मिल रही है वो 7 मीटर पर सेकेंड मिल रही है। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन का अच्छा सा प्रॉब्लम है जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस रोटेशन के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन 2015 में आया था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए मैंने आपको जब सेशन शुरू किया था तो भी कहा था कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वही सबसे ज़्यादा काम करते हैं। तो जो ये 2015 में जो क्वेश्चन फिर से जो सेकेंड क्वेश्चन आया हुआ है ये भी बेसिक कंजर्वेशन लॉ पर ही बेस्ड है। क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन कहता है रिंग ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर इज रोटेटिंग विद ए एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट ए फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर ओ विद पॉइंट मासेस ईच ऑफ मास एम बाई 8 एट रेस्ट एट ओ। दीज मासेस कैन मूव रेडियली आउटवर्ड्स अलॉन्ग टू मासलेस रॉड्स fixed and the ring as shown in the figure at some instant the angular velocity of the system is 8 by 9 omega and one of the masses is at a distance of 3 by 5 r from o at this instant the distance of other mass from o is।
देखिए इस तरीके के प्रॉब्लम्स आपने मतलब जैसे मैंने पहले भी कहा था किए होंगे, ये प्रॉब्लम फिर से जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड है। इस पूरे प्रोसेस में जहाँ पे ये रिंग के अंदर जो मासेस मूव कर रहे हैं कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है, तो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब हम यहाँ पे टोटल एंगुलर मोमेंटम को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे टोटल एंगुलर मोमेंटम को जो है वो कंजर्व करते हैं। ये जो है अब इसकी एक्सिस हो गई जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, जिसकी इनिशियल ओमेगा है, बाद में 8/9 ओमेगा हो जाएगा, और ये वो मासलेस रॉड्स हो गए जिसमें पार्टिकल मूव करेंगे। राइट right? तो अब हम इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे और फिर फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे। राइट right? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो जब सेंटर पे हैं, जब दोनों पार्टिकल सेंटर पे हैं, तो जो एंगुलर मोमेंटम लिखी जाएगी वो सिर्फ किसकी लिखी जाएगी, रिंग की लिखी जाएगी। और जब वो मास के पार्टिकल, देखिए जब पार्टिकल्स दोनों यहाँ पर आ गए इसी जगह पर हैं स्टार्टिंग में, तो एक्सिस से ही पास कर रहे हैं पार्टिकल, तो उनका कोई अपना एंगुलर मोमेंटम नहीं हो सकता। एंगुलर मोमेंटम जो है वो सिर्फ किसका है, रिंग का है। तो जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है वो आई ओमेगा हो गया, है ना। तो एल इनिशियल जो है वो आई ओमेगा हुआ, और यहाँ पे आई जो है हमारे लिए हो गया एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, क्योंकि रिंग है इसलिए एंगुलर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना होगा, एम आर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब हम फाइनल एंगुलर मोमेंटम देखते हैं। फाइनल एंगुलर मोमेंटम में क्या होगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम में एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का होगा प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल का होगा, एक पार्टिकल का, पार्टिकल वन, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल टू इंटू ओमेगा डैश, इंटू ओमेगा डैश, जो हमें ओमेगा डैश क्वेश्चन के अंदर गिवन है, जो 8/9 ओमेगा है। ठीक है, तो अब हम इस समय पर लिखते हैं फाइनल एंगुलर मोमेंटम को लिखते हैं। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम को लिख रहे हैं तो आप एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग तो लिख ही सकते हैं ऑलवेज, कि इट इज एम आर स्क्वायर, देन पहले वाले का आपको दिया गया है कि 3/5 पर है, तो इसका आप स्क्वायर लिखेंगे, आप एम आर स्क्वायर तो लिख देंगे 9/25 इंटू एम आर स्क्वायर बाई 8 जो डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, प्लस दूसरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वट एवर इट इज आई लेट अस से, एंड द मोमेंट द एंगुलर वेलोसिटी विच इज गिवन टू अस इज 8/9 इंटू ओमेगा। अब हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम को और फाइनल एंगुलर मोमेंटम को, इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं। तो पहले हमें आई की वैल्यू मिल जाएगी, और आई से आई को हम एम एक्स स्क्वायर रख देंगे, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो जो हमें आई की वैल्यू मिल रही है इसको कैलकुलेट करके, जो हमने कैलकुलेट की है वो आ रही है एम आर स्क्वायर बाई 8 इंटू 16/25। राइट, तो ये तो क्या हो गया, एम हो गया, और यहाँ पर हमें जो है डिस्टेंस पता करनी है। तो इसको अगर हम, मैं मान लीजिए कुछ एम एक्स स्क्वायर एम बाई 8 इंटू एक्स स्क्वायर के बराबर रख दूं, क्योंकि एम बाई 8 क्या है, डिस्टेंस है, सॉरी एम बाई 8 जो है मास है पार्टिकल का, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू जो आ रही है वो 4/5 आर आ रही है। तो ये भी क्वेश्चन जो है नॉर्मल कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का है। इस तरीके का प्रॉब्लम कुछ तरीके का पहले भी आईआईटी में आ चुका है, आप लोगों की एनसीईआरटी की बुक में भी है, आपने वैसे भी किया होगा, जिसमें कह रहा है कि दो पार्टिकल हैं पहले इधर थे और फिर घूम के डायमीटर पे ऐसे मूव कर गए, इस तरीके का पहले प्रॉब्लम भी आईआईटी ने पूछा हुआ है, उसी का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन जो है वो यहाँ पे जो है पूछा गया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब क्वेश्चन जो है 2014-15 की बात हो गई, ये क्वेश्चन जो है 2015 का ही दूसरे पेपर का क्वेश्चन है, और ये भी इंटीजर टाइप में पूछा गया है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन कहता है द डेंसिटीज ऑफ टू सॉलिड स्फीयर्स ए एंड बी, डेंसिटीज ऑफ टू सॉलिड स्फीयर्स ए एंड बी ऑफ सेम रेडियाई आर वेरी विद रेडियल डिस्टेंसेज एज रो इज इक्वल टू, ये आपको वेरिएशन दिया हुआ है, के टाइम्स आर बाई आर और के टाइम्स आर बाई आर की पावर 5, वेयर के इज ए कॉन्स्टेंट, द मोमेंट ऑफ इनर्शियाज ऑफ द इंडिविजुअल स्फीयर्स अबाउट एक्सेसेस पासिंग थ्रू सेंटर्स आर आई ए एंड आई बी, देन इफ आई बी बाई आई ए इज इक्वल टू एन बाई 10 देन द वैल्यू ऑफ एन इज। तो ये देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को शायद हम लोग कहेंगे कि ईजी ही चीज़ है, बट अगर पूछी गई है तो हमारे लिए अच्छी बात है कि हमें जो है प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने को मिल रही है। तो फर्स्ट जो स्फीयर है उसकी डेंसिटी जो हमें दी गई है वो दी गई है के आर बाई आर,
और जो दूसरा स्फेयर है उसकी डेंसिटी रो बी हमें दी गई है के आर बाई आर की पावर 5, राइट। और हमें दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो निकालना है। देखिए आपको वैसे तो पता है कि अगर सॉलिड स्फीयर होता है तो सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 2/5 एम आर स्क्वायर होता है, बट वो तब है जब आपको मास गिवन है। यहाँ पे मास गिवन नहीं है, तो यहाँ पे जैसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेरिवेशन करते हैं उस तरीके से हमें डेरिवेशन करके बताना पड़ेगा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है बेसिकली वो कितना आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग डेरिवेशन करेंगे और फिर देखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से हम डेरिवेशन करते हैं कि लेट अस सपोज करिए कि ये एक स्फीयर है, इसका रेडियस जो है कैपिटल आर है, हमने एक यहाँ पे शेल कंसिडर कर ली जिसका रेडियस स्मॉल आर था, ठीक है, और इसकी थिकनेस जो है वो डी आर है, और हम इस शेल का पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरे के ऊपर। तो हमने इसके जो एक शेल है इसकी थिकनेस डी आर ले ली एट ए रेडियस आर फ्रॉम दिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे फर्स्ट स्फीयर का लिखना है तो देखिए कैसे लिखूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर ए इज इंटीग्रल 2/3 आर स्क्वायर इंटू 4π आर स्क्वायर डी आर इंटू के इंटू आर बाई आर फ्रॉम 0 to R। अब मैं आपको समझाता हूं कि कैसे इसको लिखा हमने। शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 एम आर स्क्वायर, शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 एम आर स्क्वायर। आपने सॉलिड स्फीयर को किसके अंदर तोड़ा है, शेल्स के अंदर तोड़ा है, तो 2/3 आ गया, एम आर स्क्वायर का आर स्क्वायर ये आ गया। अब हमें मास लिखना है, मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो इस शेल की वॉल्यूम कितनी हुई, इसका सरफेस एरिया हो गया 4π r² मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस dr, तो इसकी वॉल्यूम कितनी हो गई शेल की 4π r² dr, 4π r² dr मल्टीप्लाई बाय इट्स डेंसिटी। तो डेंसिटी कितनी है इसकी, kr/r, तो डेंसिटी लिख दी हमने kr/r। और वेरिएशन कहां से कहां तक जा रहा है, वेरिएशन जा रहा है 0 से कैपिटल r तक, इसलिए इंटीग्रेशन की लिमिट हो गई 0 से कैपिटल r तक। अब आप यहां पे देखिए r² r² r, तो r की पावर 5 हो गई बेसिकली, तो r की पावर 5 को आपको इंटीग्रेट करना है, बाकी सारे कांस्टेंट हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो r की पावर 6/6 आ जाएगा बेसिकली, है ना। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो स्फीयर नंबर 1 का आ रहा है वो पूरा कैलकुलेट करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर नंबर 1 इज कमिंग एज 8π k/3 r इनटू r की पावर 6/6। सिमिलरली हम क्या करेंगे, बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, सारी चीजें एकदम सेम रहेंगी, सिर्फ डेंसिटी जो के आर बाई आर है वो क्या हो जाएगी, के आर बाई आर की पावर 5 हो जाएगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बी लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बी 0 to R 2/3 आर स्क्वायर इंटू 4π r² dr इंटू के R बाई कैपिटल R की पावर 5, ठीक है। तो अब देखिए R स्क्वायर R की पावर 4 और कैपिटल R की पावर 5 यानी R की पावर 9 को इंटीग्रेट करना है, तो R की पावर 9 को इंटीग्रेट करेंगे तो R की पावर 10/10 आएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ B विल बी सिमिलरली 8π k/3 r, क्योंकि वो तो सेम ही आना है, इंटू R की पावर 10/10, राइट। अब हमें जो रेशियो दिया गया है मैं क्या करूं, मैं आई की पावर आई बी अपॉन आई ए कर लूं, आई बी अपॉन आई ए कर लेता हूं तो 6/10 आता है। तो जो हमारा जो हमें नंबर फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर लिया यहां पे। तो देखिए जो डेरिवेशन कई बार होते हैं हम लोग उसको सीरियसली नहीं लेते होंगे, बट डेरिवेशंस में से भी क्वेश्चन जो हैं वो बेसिकली बन जाते हैं, ये क्वेश्चन इसी बात का प्रूफ है कि जब हम डेरिवेशंस कर रहे होते हैं तो उनका यूज़ यहाँ पर होता है। तो ये क्वेश्चन हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है एक जगह पे, और कह रहा है द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, आर इज इक्वल टू अल्फा टी क्यूब प्लस बीटा टी स्क्वायर जे कैप, वेयर अल्फा की वैल्यू दे दी 10/3, बीटा की वैल्यू दे दी 5, मास है 0.1
At t is equal to 1 second, which of the following statements is are true about the particle? ठीक है, तो देखते हैं हम इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं. बहुत ही फंडामेंटल्स पर, बेसिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड प्रॉब्लम है. मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए. यहाँ पे हमें गिवन है r वेक्टर जो है, जो पोजीशन वेक्टर जिसे हम कहते हैं, r वेक्टर जो है दैट इज अल्फा टी क्यूब आई कैप प्लस बीटा टी स्क्वायर जे कैप. ठीक है, ये तो हमें पोजीशन वेक्टर दे दिया गया. इसके अलावा हमें दे दी है कि जो अल्फा की वैल्यू है दैट इज 10/3, बीटा की वैल्यू जो है दैट इज 5, मास जो है दैट इज 0.1 एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड. हमें चीजों को फाइंड करना है. ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर हमें दे दिया, चीजों को फाइंड करना है. क्या क्या चीजें पूछी है? वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है, एंगुलर मोमेंटम के बारे में पूछ रहा है, फोर्स के बारे में पूछ रहा है और टॉर्क के बारे में पूछ रहा है. चार चीजों के बारे में पूछ रहा है. अगर आप देखें यहाँ पे तो आपको पता चलेगा कि x कोऑर्डिनेट जो है वो अल्फा टी क्यूब है, y कोऑर्डिनेट जो है वो बीटा टी स्क्वायर है. तो x कोऑर्डिनेट जो हो गया वो तो हो गया अल्फा टी क्यूब, y कोऑर्डिनेट जो हो गया वो हो गया बीटा टी स्क्वायर. ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए. अब हम क्या सबसे पहले क्या निकालने हैं? हम लोग निकालते हैं वेलोसिटी, राइट? तो vx अगर देखें तो dx by dt हो गया vx. dx by dt करिए तो क्या आ जाएगा आपका 3 अल्फा टी स्क्वायर. ठीक है, vy देखिए, vy क्या हो जाएगा? dy by dt. dy by dt करिए तो क्या मिल जाएगा आपको? 2 बीटा टी मिल जाएगा. यानी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर अगर हम कहें तो हमें मिल गया 3 अल्फा टी स्क्वायर आई कैप प्लस 2 बीटा टी जे कैप. ये हमें मिल गया वेलोसिटी वेक्टर. अब हमसे क्या क्या चीजें पूछी गई हैं उनको हम चेक करते हैं. वेलोसिटी इज गिवन बाय दिस थिंग. ठीक है, तो हमें अब क्या करना है? टी को 1 डालना है और अल्फा और बीटा की वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट करना है. तो वेलोसिटी वेक्टर देखते हैं. 3 इंटू अल्फा की वैल्यू है 10/3, टी की वैल्यू डाल दी 1, तो 1 ही रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा आई कैप. प्लस 2 इंटू बीटा की वैल्यू हो गई हमारी 5, इंटू टी की वैल्यू हो गई 1 इंटू जे कैप. तो वेलोसिटी वेक्टर यहां से बन गया हमारा 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप. तो देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है. ऑप्शन कह रहा है 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप. तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया. उसके बाद कह रहा है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन. तो एंगुलर मोमेंटम आप लोग जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इज आर क्रॉस पी. एंगुलर मोमेंटम जो है आर क्रॉस पी है, यानी ये हो गया आर क्रॉस एम वी, आर क्रॉस एम वी हो गया, राइट? सो हमने वेलोसिटी निकाल ली है और हमें क्या पता है? मास पता है और हमें आर वेक्टर पता है. हम सबको रख के और क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर फीड करते हैं. तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इज इक्वल टू आर. अब आर में मैं क्या कर रहा हूँ? अल्फा की वैल्यू डाल दे रहा हूँ 10/3 और टाइम की वैल्यू डाल दे रहा हूँ 1. तो 10/3 आई कैप प्लस 5 जे कैप क्रॉस एम वी, यानी 0. वी जो है टी इज इक्वल टू 1 पे जे है ना. सो अगर मैं इसको मास को 0.1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यह हो जाएगा मेरा आई कैप प्लस जे कैप. ठीक है, तो आप देख लीजिए, आप आई क्रॉस आई 0 हो गया और 10/3 इंटू 1 आई क्रॉस जे क्या होता है? आई क्रॉस जे होता है के. ठीक है, देन जे क्रॉस आई क्या होता है? जे क्रॉस आई होता है माइनस के, तो माइनस 5 के, और जे क्रॉस जे होता है 0. तो 10/3 के कैप, और इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो मेरा एलसीएम 3 आ जाएगा. तो 10-15 इज -5/3 के कैप. तो -5/3 के कैप आ रहा है और ऑप्शन में भी हमें -5/3 के कैप दिया हुआ है. फिर फोर्स की बात कर रहा है. तो देखिए फोर्स के लिए क्या चाहिए? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. वेलोसिटी हमने यहाँ पे निकाल ली थी. ठीक है, अब हम यहीं पे एक्सेलरेशन अगर निकाल लें तो क्या हो जाएगा? इसको डिफरेंशिएट करिए तो 6 अल्फा टी आई कैप और प्लस 2 बीटा जे कैप, राइट? तो फोर्स हो गया हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन. तो मास हो गया हमारा 0.1 इंटू एक्सेलरेशन. तो हमें अल्फा और टी दोनों की वैल्यू डालनी पड़ेगी. कोई सब चीज़ बन, तो 6 इंटू अल्फा हो गया हमारा 10/3 इंटू 1 कुछ नहीं हो गया, प्लस 2 इंटू बीटा हो गया 2 इंटू 5 आई कैप और जे कैप, राइट?
सो फोर्स की वैल्यू जो हो रही है यहाँ पे हमारी 20i cap + 10j cap हो रही है, यानी हो गया 2i cap + j cap, ये हमारा फोर्स हो गया 2i cap + j cap। तो ये जो है ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा है। अब हम टॉर्क की बात कर लेते हैं। टॉर्क जो होगा वो होगा आर क्रॉस एफ। तो अब आपने सब कुछ निकाल लिया है, अब आपको जो है आर क्रॉस एफ करना है। तो आर क्रॉस एफ कर लेते हैं। आर जो हो गया वो हो गया 10/3i cap + 5j cap क्रॉस 2i cap + j cap। तो फिर से देख लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, आई क्रॉस आई जीरो 10/3k cap - 10k cap। तो ये आ गया हमारा, तो टॉर्क इससे जो आ रहा है वो हो जाएगा -20/3k cap। तो ए बी और डी तीनों आंसर हमारे यहाँ पे सही हैं, बट क्वेश्चन मतलब देखने में थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा है, बट क्वेश्चन इजी बहुत है ना। ये बिल्कुल जो डेफिनेशन है कि टॉर्क की डेफिनेशन, एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन, सारे डेफिनेशंस को यूज़ करके इस क्वेश्चन को बनाया गया है। तो मेरे ख्याल से इसी क्वेश्चन में कह सकते हैं हम इसको। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है 2016 में पूछा गया है, और क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि टू थिन सर्कुलर डिस्क्स हैविंग ऑफ मास m एंड 4m एंड रेडियस a एंड 2a रिस्पेक्टिवली आर फिक्स्ड विद ए मासलेस रिजिड रॉड ऑफ लेंथ अंडर रूट 24a थ्रू देयर सेंटर्स। द असेंबली इज लेड ऑन ए फर्म एंड फ्लैट सरफेस एंड सेट रोलिंग विदाउट स्लिपिंग on the surface so that the angular speed about the axis of the rod is omega. मतलब जो डिस्क हैं वो ओमेगा से घूम रही हैं। The angular momentum of the entire assembly about point O is L vector as shown in the figure. Which of the following statements is are true? ठीक है, तो कौन कौन से statements true हैं ये हमें बताने हैं। तो this is a surface. This is a ring, मतलब basically disc, sorry. This is also a disc. This is the surface on which these are rolling. And this is a rod which passes through the center of both the discs, right? And they are rotating with an angular velocity omega. ठीक है, सब चीज़ हमें दी हुई है, यानी हमें ये पता है कि इसका मास m है, इसका मास 4m है, इसका जो रेडियाई है वो a है, और इसका जो रेडियाई है वो 2a है। ठीक है, और ये पॉइंट O है जिसके अबाउट हमें बताया गया है कि जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है वो कैपिटल L है। ठीक है, तो पहले तो हम एक बात को समझते हैं कि जैसे ये जब ये घूमेगा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, तो डिस्क इसके साथ घूम रही है, वहीं रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रही है। डिस्क जो है फिक्स्ड है, डिस्क जो है इस रॉड के अबाउट मूव नहीं कर सकती। अगर ये डिस्क रॉड के अबाउट मूव कर रही होती तो इसमें कोरियोलिस फोर्स भी आ जाता, बट यहाँ पे क्योंकि डिस्क जो है फिक्स है, रॉड के अबाउट मूव नहीं कर रही है, इसलिए कोरियोलिस फोर्स का कोई रोल यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर नहीं है। तो क्वेश्चन सिंपल कह सकते हैं, ओके टाइप कह सकते हैं। अब हमसे क्या क्या पूछा जा रहा है वो देखते हैं। तो हमसे फर्स्ट ऑप्शन पूछ रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द असेंबली अबाउट द सेंटर ऑफ मास, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द असेंबली अबाउट द सेंटर ऑफ मास। दूसरा पूछा है द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द असेंबली रोटेट्स अबाउट द जेड एक्सिस अबाउट द विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा बाई 5, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ एल इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर। तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास से हमें जो है इसकी कैलकुलेशंस जो हैं उसको करके देखना है। तो सेंटर ऑफ मास से कैलकुलेशन करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा सेंटर ऑफ मास से कैलकुलेशन जो होती हैं वो काफ़ी ईजी हो जाती हैं। तो हम जो है इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास लिख रहे हैं, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर अबाउट सेंटर ऑफ मास विल बी सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा। तो हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास लिखते हैं। तो अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास लिखते हैं
तो हमें मिल जाएगा ये एम ए बाई टू प्लस फोर एम एम सॉरी एम ए स्क्वायर बाई टू प्लस फोर एम इंटू फोर ए स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा राइट तो विच इज इक्वल टू 17 एम ए स्क्वायर ओमेगा बाई टू. नाउ रेशियो ऑफ द एंगुलर वेलोसिटीज ओमेगा टू बाई ओमेगा वन. सो सिंपली ओमेगा टू बाई ओमेगा वन विल बी टू पाई इंटू टू ए इंटू अपॉन टू पाई इंटू टेन ए. तो ओमेगा टू इज इक्वल टू ओमेगा बाई फाइव. अब ये टू ए टेन ए वाला जो चक्कर है ये देखिए कैसे है कि ये यहाँ से यहाँ तक जो है ना आपको अंडर रूट 24 दिया हुआ है, अंडर रूट 24 ए दिया हुआ है. तो अगर आप उसको पाइथागोरस थ्योरम यूज करके कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये रेडियस जो है 2 ए 10 ए वाले रेडियस जो है वो क्लियरली दिखाई दे जाएंगे. तो रेशियो जो ओमेगा 2 का आ गया वो ओमेगा बाई 5 आ गया. ठीक है तो ओके क्वेश्चन है. मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इसमें थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व जितना करेंगे उससे कोई मतलब रिजिड बॉडी है वो ऐसे घूम रही है तो उसी को हम लोगों ने उसी के मोशन को देखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इस तरीके का क्वेश्चन पहले भी आईआईटी पूछ चुकी है. उसी तरीके के क्वेश्चन को जो है फिर से मॉडिफाई करके आप कह सकते हो कि दिया गया है. कोई बहुत ज़्यादा नया एंगल इसके अंदर नहीं डाला गया है. तो इसीलिए मैं हम लोग कहते भी हैं कि प्रीवियस आए हुए क्वेश्चंस को करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वैसे क्वेश्चंस काफ़ी क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होता आईटी में कभी बट कंसेप्ट जो है वो आप देख सकते हैं कि रिपीट होने के चांसेस बनते हैं. क्वेश्चन कह रहा है कि ए रिजिड यूनिफॉर्म बार ए बी ऑफ लेंथ एल इज स्लिपिंग फ्रॉम इट्स वर्टिकल पोजिशन ऑन ए फ्रिक्शन लेस फ्लोर एज शोन इन द फिगर. At the same instant of time, at some instant of time, the angle made by it with the vertical is theta. Which of the following statements about its motion is are true? The statements क्या क्या दे रहा है कि trajectory parabola है. Instantaneous torque about the point of contact with the floor is proportional to sine theta. The midpoint of the bar will move vertically downward. When it makes angle theta with the vertical, the displacement of the midpoint from its position is proportional to 1 minus cos theta. तो इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे. सॉल्व तो इसमें खैर क्या करना है बहुत ज़्यादा सारा ऑब्वियस ही सिचुएशन है. ये रॉड पहले ऐसे थी जो अगर आप कहेंगे कि कह सकते हैं टी इज इक्वल टू जीरो पे या वर्टिकल जब थी ये सरफेस है और जब इसने स्लिप करना शुरू किया तो लोअर एंड स्लिप करेगा तो इस तरीके की रॉड है और लोअर एंड स्लिप करेगा तो स्लिप करते करते ऐसे होगी है ना. तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये कह रहे हैं कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो है रॉड ऐसे हो गई है. और उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये वर्टिकल के साथ क्या बना रही है थीटा एंगल बना रही है. तो ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रही है तो ये थीटा तो ये भी थीटा. आप कोई सा भी थीटा ले सकते हैं बात एक ही है क्योंकि वर्टिकल ये अपोजिट एंगल है. ठीक है अब एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि जो उसका सेंटर ऑफ मास है उसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है mg वो डाउनवर्ड है इसलिए सेंटर ऑफ मास जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये प्रॉब्लम पहले भी जेई में पूछा गया है तो आप वहाँ से रेफरेंस भी इसको क्लियरली समझ सकते हैं कि जो जो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो यही है. अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिख के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं उसमें से वेरिएबल को रिमूव करेंगे तो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन मिलेगी. तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट अगर आप देखिए कहीं पर भी कभी भी तो देखेगा आपको एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू साइन थीटा और वाई कोऑर्डिनेट जो देख रहे हैं वो हो रहा है एल कॉस थीटा. आप खुद आपको आसानी से दिख जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट जो है L by 2 sin theta और y coordinate L cos theta. इन दोनों में से आप अगर sin theta को remove करेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं sin theta is equal to 2x by L और cos theta is equal to y by L. तो sin square theta plus cos square theta is equal to 1. तो जो आपको equation trajectory की मिल रही है तो मिल रही है x square upon L by 2 का whole square प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इज इक्वल टू वन. तो आप ये जानते हैं पैराबोला की इक्वेशन नहीं है ये इलिप्स की इक्वेशन है. तो इसका जो ट्रेजेक्ट्री है वो पैराबोला
नहीं होगा, सेंटर जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड चलेगा, पर जो ट्रेजेक्ट्री है वो पैराबोला क्लियरली नहीं है, यहाँ से आपको दिख गया। इसके बाद हम लोग टॉर्क की बात करते हैं, तो टॉर्क अबाउट अगर हम कहीं से भी जो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेते हैं, तो टॉर्क जो हो गया वो हो जाएगा हमारा एम जी इंटू एल बाई टू साइन थीटा। आई थिंक दिस इज मोर देन ईजी टू अंडरस्टैंड दैट द टॉर्क विल बी एम जी इंटू एल बाई टू साइन थीटा। तो टॉर्क जो है वो साइन थीटा के प्रोपोर्शनल आ गया। देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मिड पॉइंट, अगर आप कभी भी देख लीजिए डिस्प्लेसमेंट जो हुई है, तो एल बाई टू माइनस एल बाई टू कॉस थीटा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मिड पॉइंट डेल्टा एक्स, सी एम ई कह देता हूँ मैं, सेंटर कह देता हूँ, दैट इज एल बाई टू माइनस एल बाई टू कॉस थीटा। मुझे लगता है जब आपने खूब क्वेश्चन किए होंगे, ये वाला टर्म तो सबको याद ही रहता है कि एल बाई टू वन माइनस कॉस थीटा जो होता है वही डिस्प्लेसमेंट हमेशा होता है। सो एल बाई टू माइनस एल बाई टू कॉस थीटा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। सो देर आर थ्री ऑप्शन विच आर करेक्ट इन दिस पर्टिकुलर केस, राइट? ओनली द ऑप्शन ऑफ पैराबोला ट्रेजेक्ट्री इज रॉन्ग, राइट? सो ये क्वेश्चन हो गया। इसी पेपर में दो और क्वेश्चन कंप्रीहेंशन के बेस्ड में भी जेई ने पूछे हैं, तो आइए वो क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो जेई ने कंप्रीहेंशन पे बेस पे पूछा है, और यहाँ पर जो था मुझे अच्छे से याद है ये बात कि जब ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर काफ़ी कंट्रोवर्सी चली थी काफ़ी लेट नाइट तक, और क्योंकि इसमें आंसर मैच नहीं हुआ था, और फिर इसी क्वेश्चन के अंदर आईआईटी ने जो है बोनस मार्क्स दिए थे। अपनी गलती जो थी मानी थी कि क्वेश्चन गलत पूछ लिया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आपको जो थे बोनस मार्क्स दिए गए थे। क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या पूछना चाहा था आईआईटी ने और कहाँ पे गलती हो गई उनसे। क्वेश्चन कह रहा है कि वन ट्रिल्स ए सर्कुलर रिंग ऑफ मास एम एंड रेडियस आर नियर द टिप्स ऑफ वन फिंगर एज शोन इन द फिगर वन। इन दिस प्रोसेस द फिंगर नेवर लूज द कॉन्टैक्ट विद द इनर रिम ऑफ द रिंग। द फिंगर ट्रेसेज आउट द सर्फेस ऑफ ए कोन शोड बाई द डॉटेड लाइन। द रिंग ऑफ द पाथ ट्रेस्ड आउट बाई द पॉइंट वेन द रिंग एंड द फिंगर इज इन कॉन्टैक्ट इज आर। द फिंगर रोटेट्स विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। द रोटेटिंग रिंग rolls without slipping on the outside of a smaller circle described by the point where the ring and the finger is in contact, figure number 2. The coefficient of friction between the ring and the figure is mu and the acceleration due to gravity is g. तो एक क्वेश्चन में आपसे पूछा है the minimum value of omega naught below which the ring will drop down, और दूसरे में पूछ रहा है आपसे कि what is the kinetic energy of the ring. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में देखिए कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, कि वो ये कह रहा है कि आपने अपनी फिंगर में एक रिंग डाल ली और रिंग को आप घुमा रहे हो ऐसे करके, है ना? तो जब आप रिंग को घुमा रहे हो तो किस तरीके से है, तो आप इसका जो हम लोग अगर एक तो डायग्राम जो क्वेश्चन पेपर में बना हुआ है, और एक जो हम अगर आप इसको देखेंगे डायग्राम जो बनाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए, मान लीजिए ये रिंग हो गई आपकी और ये जो है आपकी फिंगर हो गई, राइट? इस तरीके से। तो वो क्या कह रहा है कि आपने अपनी उंगली में एक रिंग डाली और उंगली आप ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है, ऐसे घुमा रहे हो, तो रिंग जो है घूम रही है और जो आपकी ये फिंगर है कैसा सरफेस ट्रेस कर रही है, ये कोन का सरफेस ट्रेस कर रही है। तो रिंग ऐसे घूम रही है तो एक सरफेस जो है वो फिंगर का सरफेस जो है वो जो जो, जो फिंगर जो सरफेस बना रही है वो जो है एक कोन का सरफेस बन रहा है, बट रिंग जो है कैसे घूम रही है, सर्किल में घूम रही है। तो हमें बताना है कि ओमेगा नॉट की क्या वैल्यू हो कि रिंग नीचे ना गिरे। दूसरे बार पार्ट में हमें बताना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो जो गलती हुई थी वो काइनेटिक एनर्जी वाले पार्ट में जो क्वेश्चन से जो जेई ने जो दिया है क्वेश्चन जो था वो गलत हुआ था। तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रही है रिंग की हर पॉइंट पे, तो हम लिख सकते हैं सिंपली कि वी इज इक्वल टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू ओमेगा फॉर स्लिपिंग विदाउट रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, और दूसरे बार के लिए लिख सकते हैं आर ओमेगा वन इज इक्वल टू आर ओमेगा टू माइनस वी, ठीक है। तो ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की कंडीशन हो गई फिंगर पे और रिंग पर, और इसके बाद हम कहेंगे कि जो नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड हो रही है वो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन से हो रही होगी, तो दैट विल बी एम इंटू ए सेंट्रिपिटल, या आप ए रेडियल कह सकते हैं, ना? तो एम आर स्क्वायर ओमेगा भी लिख सकते हैं आप इसको, सो विच इज इक्वल टू एम ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू आर माइनस आर। सो ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है जो यहाँ से आपको मिलेगा टुवर्ड द सेंटर, विच विल प्रोवाइड यू द
नॉर्मल रिएक्शन और ये नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन फोर्स में यूज होगी और वहां से हम कंपेयर करेंगे कि गिरने के लिए हमें कितनी वैल्यू ओमेगा नॉट की चाहिए। तो इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम कहेंगे कि भाई फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो फ्रिक्शन भाई होता है म्यू इंटू एन, यानी बात हो गई म्यू इंटू एम इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, एंड दिस फ्रिक्शन फॉर बैलेंसिंग कंडीशन शुड बी इक्वल टू एम जी। तो यानी एम जी को हम इक्वेट कर दें म्यू एम ओमेगा नॉट स्क्वायर आर माइनस आर से, और कंडीशंस जो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की हैं उसको लगा दें, उसकी जरूरत शायद नहीं पड़ रही है। तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू जी अपॉन म्यू इंटू आर माइनस आर, क्योंकि ओमेगा नॉट स्क्वायर है इसलिए रूट आ जाएगा ये। तो ये ओमेगा नॉट की वैल्यू आ गई। तो मेरे ख्याल से काफ़ी सिंपल है समझने के लिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है देखने में क्योंकि फिंगर का जो सरफेस है वो कोन की तरह ट्रेस हो रहा है, तो कई बार हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं जायरोस्कोपिक मोशन तो नहीं है, बट जायरोस्कोपिक मोशन नहीं है, सिंपल मोशन है। तो यहाँ पर हमने इसको कैलकुलेट किया नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन से, वेट को बैलेंस कर लिया। अब हमें काइनेटिक एनर्जी लिखनी थी, तो काइनेटिक एनर्जी आप सिंपली लिख सकते हैं भाई किसी भी रोलिंग ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखी जाती है, कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये बिल्कुल इसमें कहीं पर कोई कन्फ्यूजन होता नहीं है काइनेटिक एनर्जी लिखने में कभी भी। तो हाफ एम वी सी एम की जगह हम लिख दे रहे हैं वी नॉट तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, जो कोई भी ऑप्शन जो था बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं था, इसीलिए इस क्वेश्चन के अंदर जो था आईआईटी ने क्या दिए, हमें बोनस मार्क्स देने पड़े। ठीक है, तो कभी भी रोलिंग में या कंबाइंड मोशन में हमें टोटल एनर्जी लिखनी हो तो ध्यान रखिए कि टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा कैसे लिखी जाएगी, टोटल एनर्जी हमेशा लिखी जाएगी कि सम ऑफ द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, एंड फॉर सिंपलिसिटी वी ऑलवेज राइट इट एज हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ आई सी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर। नहीं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2018 का क्वेश्चन है ये, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास एम एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ओ इज गिवन बाई वी आर इज इक्वल टू के आर स्क्वायर बाई टू, वेयर के इज ए पॉजिटिव कॉन्स्टेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेट डायमेंशंस। The particle is moving in a circular orbit of radius r about the point O. If v is the speed of the particle and l is the magnitude of the angular momentum about O, which of the statements is r true? तो इसमें से कौन सा statement जो होगा वो true होगा, potential energy हमें दी हुई है और angular momentum की बातें कर रहा है। तो देखिए potential energy हमें दी हुई है, potential energy की value होगी kr square by 2. So देखेंगे potential energy is k आर स्क्वायर बाई टू, और हम लोग ये जानते हैं कि अगर हमें फोर्स लिखना हो तो फोर्स होता है माइनस डी यू बाई डी आर। तो ये आई थिंक एवरीबडी इज अवेयर ऑफ दिस। तो एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, सो एफ इज इक्वल टू माइनस टू के आर हो जाएगा, तो टू से टू कैंसिल हो गया, तो इट विल बी ओनली माइनस के आर, एंड दिस के आर फोर्स हेयर will provide the required centripetal force. जो negative sign है ये तो किसके लिए है, negative sign तो जो है वो attractive force को बताता है। So kr is equal to mv square by r. तो यहाँ से अगर आप देखिए तो velocity क्या हो जाएगी, तो v square is equal to kr square by m, यानी v जो हो गया वो हो गया r under root k by m, r under root k by m, ये हो गया हमारा वेलोसिटी। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम निकालना है, अब एंगुलर मोमेंटम निकालना है, सर्कल में घूम रहा है तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम वी आर हो जाएगा, सिंपल है। तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर जो हो गया वो हो गया m इंटू वी इंटू आर, सो इट इज m इंटू वी विच इज r इंटू अंडर रूट k बाई m इंटू आर, सो इट इज अंडर रूट k बाई m इंटू एम आर स्क्वायर। और इसको आप चाहें तो कट भी कर सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट एम के इंटू आर। तो ये एंगुलर मोमेंटम हो गया सर्कुलर मोशन में घूमने वाले ऑब्जेक्ट का।
तो फोर्स दिया हुआ था, फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी से आपने जो है एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे कैलकुलेट किया। आइए एक और क्वेश्चन जो 2018 का है उसी को देखते हैं कि क्या रोटेशन में इसने पूछा है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन कहता है ए रिंग एंड ए डिस्क इनिशियली एट रेस्ट साइड बाई साइड एट द टॉप ऑफ ए इंक्लाइंड प्लेन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल दे स्टार्ट टू रोल विदाउट स्लिपिंग एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पाथ इफ द टाइम डिफरेंस बिटवीन देयर रीचिंग द ग्राउंड इज अंडर 2 - √3/√10 seconds एंड द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन इन मीटर्स इज। मेरे को लगता है ये प्रॉब्लम भी ऐसी है जो शायद हर स्टूडेंट ने करी होगी क्योंकि एनसीईआरटी तक में इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो दी गई है रोलिंग ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन। तो रोलिंग ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन की प्रॉब्लम है, टाइम डिफरेंस की बात कर रहा है, एक रिंग और एक डिस्क को जो है ये ऊपर से क्या करा रहा है, रोल करा रहा है, रिंग और डिस्क को जो है ऊपर से रोल करा रहा है। तो अगर हम लोग रोलिंग ऑन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन को देखते हैं तो देखिए किस तरीके से देखेंगे। ये कोई चीज़ है जो रोल कर रही है इंक्लाइंड प्लेन पे, राइट। तो ये हाइट हो गई हमारी h और ये एंगल थीटा हो गया। मान लेते हैं जो ये इंक्लाइंड प्लेन है इसकी लेंथ जो है s है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आराम से कि h अपॉन s इज इक्वल टू साइन थीटा। तो s जो हो गया वो हो गया h अपॉन साइन थीटा या h कोसेक थीटा, राइट। तो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा कोई भी चीज़ टॉप टू बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड वो कितनी करेगा, एच कॉसेक थीटा करेगा। और हम लोगों ने जो था पढ़ा था कि जो एक्सेलेरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन होता है वो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के केस में अंडर रूट जी साइन थीटा अपॉन 1 + k² / r² या 1 + i / mr² है ना। तो जिसने जैसे भी पढ़ा हो उसको, कुछ लोगों ने हो सकता है इसको ऐसे पढ़ा हुआ हो कि जी साइन थीटा अपॉन 1 + i / mr², राइट। तो i मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पर्टिकुलर चीज का। तो अब आप देखिए कि कैसे टाइम निकालना है, भाई डिस्टेंस दी हुई है हमें, एक्सेलरेशन पता है। तो आप क्या करिएगा, आप कहेंगे कि s इज इक्वल टू ½ a t², राइट। तो t जो हो गया वो हो गया अंडर रूट 2s / a, ठीक है। अब आप जो रिंग का है वो a लिख लेंगे, देख लेंगे हम लोग, और जो डिस्क का है वो ये देख लेंगे क्या होगा। तो एक्सेलरेशन फॉर ए रिंग, तो रिंग के केस में क्या होगा, आई एम आर स्क्वायर होता है। तो ये हो गया अंडर रूट जी साइन थीटा बाई 1 + 1 विच इज 2, राइट। डिस्क के केस में देखते हैं अंडर रूट जी साइन थीटा अपॉन, यहां पे एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो 1 + 1/2 यानी 3/2, तो 2g sin theta / 3, ये एक्सेलरेशन हो गए, ठीक है। तो अब टाइम t1 कितना हो गया, तो t1 जो हो गया वो हो गया अंडर रूट 2s की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, h cosec theta, है ना, क्योंकि s जो है हमारे लिए h cosec theta है, h cosec theta अपॉन a रिंग, a रिंग कितना हो गया g sin theta अपॉन। डिस्क के लिए टाइम लिखना है t2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2h cosec थीटा अपॉन, इसका एक्सेलेरेशन कितना हो गया 2g sin theta / 3, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जो है वो कैलकुलेट कर लिया। थीटा भी हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर की 30 डिग्री है, और हमें क्या बताना है, h की वैल्यू बतानी है। तो अगर हम डेल्टा t करें, t1 - t2 करें, अगर हम डेल्टा t कर दें जो कि t1 - t2 है, इन दोनों का डिफरेंस हम अगर लेते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस जो है हमें मिल रहा है कम्स एज 2 - √3/10 जो हमें दिया गया है। दिस इज इक्वल टू बेसिकली जो हम निकाल रहे हैं उसमें आ रहा है 4 - √3/√30 × √h। तो इसको आप इक्वेट करते हैं जब हम इन दोनों चीज़ों को, तो हमें h की वैल्यू जो मिल रही है वो 3/4 मिल रही है,
यानी 0.75 ड्रॉप. तो अब डेसिमल में दो प्लेस तक आंसर आते हैं लिखने के लिए, तो इसलिए हम लोग डेसिमल में दो प्लेस तक जो है आंसर्स को लिख सकते हैं. तो ये 2005 से लेके 2014 से लेके 2018 तक के रोटेशन के सारे क्वेश्चंस थे जो हमने आपके सामने डिस्कस किए, और आपने देखा कि कोई भी हाई फाई चीज़ की ज़रूरत इसमें नहीं है. तो इसी के साथ मैं आपको जे एडवांस के लिए विद्यामंदिर क्लासेस की तरफ से खूब सारे बेस्ट विशेस देता हूं. और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आने लगे. थैंक यू.